नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मऊ जिले के घोसी में विधायक विजय राजभर ने एसडीएम घोसी को बताया पागल। बुधवार को नगर की मझवारा मोड़ पर शासन के आदेश पर भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम डॉक्टर सीएल सोनकर, तहसीलदार पीसी लाल श्रीवास्तव और नगर पंचायत के ईओ विनीत कुमार द्वारा सड़क की पटरियों पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाया जा रहा था कि इसी बीच क्षेत्रीय विधायक विजय राजभर भी आ धमके और वहां मौजूद लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा सड़कों की पटरियों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिस पर विधायक विजय राजभर ने ईओ विनीत कुमार को अतिक्रमण हटाओ मुहिम को रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने शासन के आदेश का हवाला देते हुए एसडीएम घोसी से वार्ता करने की बात कही, जिस पर आग बबूला विधायक विजय राजभर ने घोसी एसडीएम को तानाशाह, शासक व पागल तक कह दिया। सवाल उठता है कि प्रशासन शासन के आदेश का अनुपालन करे कि विधायक के आदेश का पालन करे। न्यूज 9 भारत के लिए घोसी से आफताब आलम की खास रिपोर्ट। जी, ये अतिक्रमण रुक गया है कि अभी अतिक्रमण हटाया जाएगा? देखिए, किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। ये गरीबों के जीवोपार्जन के लिए अपने अपने छोटे छोटे व्यवसाय, इसको अतिक्रमण नहीं कहते। अतिक्रमण उसे कहते हैं जो बिल्डिंग बना करके, चबूतरा बना करके जो लोग रहते हैं, अतिक्रमण उसको कहते हैं। ये लोग अपने घरों से आते हैं, छोटे छोटे रोजगार जैसे मोदी जी ने भी शुरू किया है, 10,000 रुपये तक का सहयोग इनको दिया है। लेकिन ये तानाशाह प्रशासन, यहाँ एसडीएम पागल हो गया है, उसकी दवा हम कल करते हैं। डीएम से बात होगी, उसके बारे में हम लोग कल उसके बारे में बात करते हैं। एक तरफ जहाँ एक तरफ टाउन एरिया लोगों को 10,000 लोन दे रही है, दूसरी तरह अतिक्रमण हटा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैंने बताया ना कि यहाँ का एसडीएम पागल हो गया है, हम उसके बारे में डीएम से कल बात करते हैं। धन्यवाद सर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।